नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। जन्मदिन के दिन खिलाड़ी अपने दिन को खास बनाने के लिए हमेशा मैदान में जी जान लगाता है। जन्मदिन के दिन अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन भी जोरदार रहे तो जन्मदिन का जश्न दो गुना हो जाता है। कुछ ऐसा ही इंग्लैंड के बल्लेबाज विल जेक्स के साथ हुआ। दाएं हाथ के बल्लेबाज का 21 नवंबर को 23वां जन्मदिन था। इसी दिन T10 में उन्होंने नॉर्थर्न वॉरियर्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली और बंगाल टाइगर्स को जीत का खाता खोलने में मदद की। टूर्नामेंट में अब तक खेले गए 3 मुकाबले में बंगाल टाइगर्स की पहली जीत थी, वहीं नॉर्थर्न वॉरियर्स को लगातार 3रे मैच में हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में नॉर्थर्न वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 126 रन बनाए। नॉर्थर्न वॉरियर्स की ओर से टीम के कप्तान पावेल ने 27 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। इसी का नतीजा रहा कि टीम का स्कोर 10 ओवर में 126 रन जा पहुंचा। लेकिन विल जेक्स किसी भी सूरत में अपने जन्मदिन का मजा किरकिरा नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि पावेल की इनिंग फीकी पड़ गई। विल जेक्स ने मैच में 22 गेंदों पर 259 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 57 रन बनाए। इस धुआंधार पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के भी निकले और इस तरह उन्होंने 50 रन सिर्फ 11 गेंदों पर बटोर लिए। विल जेक्स अपने 23वें जन्मदिन पर खेली हुई विस्फोटक पारी में नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। उनकी धमाकेदार पारी के बूते पर बंगाल टाइगर्स ने नॉर्थर्न वॉरियर्स को 5 विकेट से हराया। फाफ डुप्लेसिस की टीम ने नॉर्थर्न वॉरियर्स से मिले 127 रन के टारगेट को 9.1 ओवर में हासिल कर लिया। विल जेक्स का तूफान रोकने के लिए नॉर्थर्न वॉरियर्स के कप्तान ने 6 गेंदबाजों को मैदान में उतारा। इसमें से 5 गेंदबाजों को विकेट भी मिले, लेकिन कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो विल जेक्स का विकेट ले सके। जेक्स ने सामने वाली टीम के हर गेंदबाज की जमकर धुलाई की और अपनी टीम को टूर्नामेंट की पहली जीत दिलाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।